We are going to cover block 3 unit 1 measures of intelligence and conceptual thinking. इसमें काफी सारी चीजें वैसी हैं जो ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो वो भी हम टच करेंगे और जो नया है वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे. तो हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस असेसमेंट स्टार्ट होता है वो जो सर फ्रांसिस गैल्टन से, ये चार्ल्स डार्विन थे उसके कजिन थे ये फ्रांसिस गैल्टन, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, इस कजिन वॉज फ्रांसिस गैल्टन. तो इन्होंने जो है स्टार्ट किया था, पर इन्होंने जो है सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर जो है टेस्टिंग स्टार्ट की थी, एज्यूमिंग की जो इंटेलिजेंट होगा उसके सेंसरी ऑर्गन्स जो है बेटर फंक्शन करते होंगे, जैसे हियरिंग, साइट, टच, ये सब चीज़ों से उन्होंने मेजर करना शुरू किया था, जो कि ऑफ कोर्स अनसाइंटिफिक है, लेकिन स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई थी. फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेजर जो है जो स्टेप था वो अल्फ्रेड बिने का था इन फ्रांस. तो फ्रांस में क्या था कि जो पब्लिक स्कूल से उसमें वो चाहते थे कि ऐसे सिस्टम लगाया जाए कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि उनको अलग से एजुकेशन दें, कि उनको नॉर्मल एजुकेशन से फ़ायदा होगा नहीं, और अगर उनको नॉर्मल स्कूल में डालेंगे ना उनको फ़ायदा होगा, उतनी सीटें भी वेस्ट जाएंगी, जो और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे. तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फ्रेड बिने को एक टास्क दिया गया था. तो अल्फ्रेड बिने ने जो है इस चीज़ की स्टार्टिंग की थी. तो उसके बाद में जो है वो बहुत बार रिवाइज हुआ, ये जो अल्फ्रेड बिने वाला टेस्ट जो है, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या रिवाइज होके क्या बना. तो अल्फ्रेड बिने ने जो टेस्ट बनाया था उसमें जो है लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर जो है बनाया था, जो नॉन वर्बल स्किल्स के बजाय, जिसे गैल्टन ने तो नॉन वर्बल स्किल्स का बनाया था, जो मैंने बताया सेंसरी ऑर्गन्स वाला, कि वो देख पाता है कि नहीं देख पाता है, सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, टच में कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. पर इसने जो अल्फ्रेड बिने ने जो बनाया था, कि इन्होंने बनाया था लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज एबिलिटीज के ऊपर. और एक दूसरी चीज़ इनकी वो थी कि इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. किसने? अल्फ्रेड बिने ने, जो कि जो फ्रांसिस गैल्टन ने नहीं किया था. तो ये एक नया और चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, कि एक तो वर्बल इंटेलिजेंस वाला यानी कि लैंग्वेज एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा जो है मेंटल एज कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. और गैल्टन और जो बिने था, इनके कंसेप्चुअल लेवल में थिंकिंग में एक और डिफरेंस था, कि जो गैल्टन है वो ये एज्यूम करके चलता था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक कोई सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल चीज़ है जो हम मेजर करनी है. जबकि जो अल्फ्रेड बिने था, इसका कहना था कि ये इंटेलिजेंस सिंगल चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और हमें उन सबको मेजर करना होगा, तब जो है इंटेलिजेंस हमारे को मेजर हो पाएगी. सो ये फर्स्ट टू जो है आस्पेक्ट्स जो इंटेलिजेंस मेजरिंग के थे, सर फ्रांसिस गैल्टन और अल्फ्रेड बिने के थे. फिर देन केम 1916 में लुई टर्मैन. सो इन्होंने जो है ये जो अल्फ्रेड बिने ने जो स्केल बनाया था, इन्होंने साइमन के साथ में मिलके बनाया था. तो साइमन बिने या बिने साइमन स्केल जो है बोला जाता था, इसको फिर उन्होंने रिवाइज किया था. किसने? लुई टर्मैन ने 1916 में. तो अब जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये करवाया था, अडेप्ट मतलब चेंजेस करवाए थे बिने साइमन स्केल में. तो इसलिए इसका जो टेस्ट का नाम जो है पड़ गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, क्योंकि इनिशियली तो बिने ने ही बनाया था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है करवाया था सारा, तो इसलिए वो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट हो गया. फिर नेक्स्ट मेजर जो डेवलपमेंट है हिस्टोरिकल, वो था वर्ल्ड वॉर वन का 1917 में, जब वर्ल्ड वॉर टू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, 1914 से 1919 तक चला था वर्ल्ड वॉर वन. तो अमेरिका काफ़ी लेट एंट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में, तो उनकी जब एंट्री हुई तो उनको ज़रूरत महसूस हुई, दे फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ ए
ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो उन्होंने जो है दो तरह के टेस्ट बनाए थे, एक आर्मी अल्फा एक आर्मी बीटा। तो आर्मी अल्फा तो उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे थे, जो इंग्लिश स्पीकिंग थे, लेकिन वॉर में कई लोग ऐसे भी गए थे जो इमिग्रेंट्स थे, बाहर की कंट्री से अमेरिका में आए थे, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे या पोअरली बोल पाते थे। तो इन उनको इवेल्युएट करने के लिए आर्मी बीटा टेस्ट बनाया था, जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, नॉन वर्बल था। तो चौथा डेवलपमेंट जो है हिस्टोरिकल वो ये था। फिर नेक्स्ट जो है मेजर डेवलपमेंट आया, पांचवा जो था वो डेविड वेस्लर का था। तो डेविड वेस्लर ने जो है ये वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही आर्मी में एनलिस्ट होने के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अभी उनको रिक्रूटमेंट उनका हुआ नहीं था। तो उन्होंने जो है एक ईजी बोरिंग करके जो है साइकोलॉजिस्ट थे उनके साथ में काम करना शुरू किया। और काम क्या था इनका कि ये जो आर्मी अल्फा जो एग्ज़ाम्स हैं इनको कंडक्ट करना और इनको इवेल्यूशन करना। तो इन्होंने जो है और आर्मी बीटा भी ऑफ कोर्स, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा दोनों टेस्ट को कंडक्ट करना और उनका इवेल्यूशन करना। तो इन्होंने थाउजेंड्स की संख्या में जो है करे होंगे, तो एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस इनको हो गया था इसका, इंटेलिजेंस टेस्टिंग का। देन ही डेवलप्ड हिज ओन स्केल्स, जिनको कि हम वेस्लर सीरीज ऑफ स्केल्स के नाम से जानते हैं, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि आर्मी अल्फा जो है वो वर्बल ज़्यादा था और आर्मी बीटा जो है वो नॉन वर्बल था। तो इसमें वेस्लर सीरीज वाले जो स्केल्स है इसमें इन्होंने दोनों ही आइडिया को मिक्स किया, कि वर्बल को भी लिया और नॉन वर्बल को भी लिया, यानी कि वर्बल स्केल भी है परफॉर्मेंस स्केल भी है, दोनों को कंबाइन करके वेस्लर सीरीज वाले ये बनाए। तो ये ब्रॉडली जो है हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस टेस्टों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अब जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को कैसे, इंटेलिजेंस को कैसे कैसे मेजर किया जाता है, कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं वो ग्रुप में किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो ग्रुप में नहीं किए जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए यहाँ थाउजेंड्स में हमारे को कंडक्ट करने हैं, तो वहाँ पे तो ग्रुप टेस्ट बेटर रहेंगे। और हमको अगर कोई डायग्नोसिस करना है किसी डिसऑर्डर का, या लेट अस से इवन किसी इंडिविजुअल को हमने जो है काउंसलिंग या गाइडेंस करनी है स्पेसिफिकली सूटेड टू द इंडिविजुअल, तो भी हमको इंडिविजुअल वाला करना पड़ेगा, दैट इज़ बेटर। और ऑब्वियस बात है जो भी हम चाहे ग्रुप वाला लें चाहे इंडिविजुअल वाला, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स हम हर बार जब भी टेस्ट करें तो सेम रिजल्ट आए तो वो रिलायबिलिटी होगी। वैलिडिटी जो है वो है कि वो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है। कि जैसे कुछ टेस्ट होते हैं वो अबव 18 ईयर्स के लिए ही हैं, तो उनको बिलो 18 ईयर्स में करेंगे तो वैलिड नहीं है। या कुछ टेस्ट ऐसे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज वालों के लिए ही एप्लीकेबल हैं, तो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वालों पे अप्लाई करेंगे तो वैलिड नहीं होगा। तो जो भी हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और जिस भी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, हमको ये देखना होगा कि टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है या नहीं है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं बड़े इजी होते हैं, उनकी स्कोरिंग वगैरह कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जो अभी हमने बात की थी वेस्टर्न सीरीज जो थे इंटेलिजेंस टेस्ट के, तो उसमें अभी खाली नाम बता रहा हूँ, आगे हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है एक, इसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल वाला भी है जो हम पहले पढ़ा था ना, कि कुछ डिपेंड करता है किस किस डोमेन में हमें जो है असेसमेंट करना है। कभी कभी हमें जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल डोमेन में भी करना होता है। तो वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो आर है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो फिर बच्चों के लिए करना है तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ एडिशन वाला जो है अभी चल रहा है। और प्राइमरी और प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं, और भी छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए करना है, तो वेस्टर्न प्राइमरी एंड प्री स्कूल स्केल है। तो इसके बाद में जो सैनफोर्ड बिनेट स्केल है जो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो सेकंड मोस्ट यूज स्केल है। सबसे पहले तो टॉप पे ही वेस्टर्न वाले ही नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। इसमें अच्छा या ख़राब की बात नहीं है, बात यह है कि पॉपुलैरिटी की है, वो पॉपुलर है तो है, ये कम पॉपुलर थोड़ा उससे तो ये है। देर इज़ नथिंग टू से कि दिस इज़ बेटर और दैट इज़ बेटर, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हमारी रिक्वायरमेंट को जो सूट करेगा टेस्ट हमें वो कंडक्ट करना है।
फिर एक और पॉपुलर टेस्ट है कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, तो इसको शॉर्ट में KABC भी बोलते हैं। तो अभी बैटरी ऑफ टेस्ट है ये भी, जस्ट लाइक वेस्टलर वाले जो स्केल हैं उसमें भी बैटरी कई सारे टेस्ट होते हैं, इसमें भी कई सारे होते हैं। और देन कम्स वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरीज, ये भी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए होता है, और भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं नॉर्मली एक्सेप्शन अपार्ट, वो वेरियस कॉग्निटिव डोमेन्स को जो है टारगेट करते हैं। तो इसलिए जो है नॉर्मली जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बैटरी में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिना बैटरी के नहीं होते, वो भी होते हैं, बट जनरली द पॉपुलर वंस आर बैटरी, क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ टेस्ट करते हैं, तो एक हमें करेक्ट असेसमेंट में हेल्प मिलती है। अब आते हैं हम वेस्लर स्केल्स के ऊपर। तो वेस्लर स्केल जो है, सबसे पहला जो है वेस्लर स्केल फॉर एडल्ट्स है। तो स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी तो इस स्केल का नाम था वेस्लर बेलव्यू इंटेलिजेंस स्केल, स्टार्टिंग में इन द वेरी बिगनिंग। फिर उसको रीनेम किया गया वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये ना MCQ के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को स्टार्टिंग में क्या कहते थे, तो वेस्लर बेलव्यू इंटेलिजेंस स्केल है। फिर अगेन इसको जो है कई बार रिवाइज हुआ, 1981 में जब रिवाइज हुआ तब इसको वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया गया, फिर जो है अगेन रिवाइज हुआ 2008 में। तो अभी करंटली जो है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फोर्थ जो है 2008 वाला वो चल रहा है। देन इसमें जो है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल 3 से जो है स्टार्ट किया गया बताना, 1, 2 नहीं दिए हैं, जरूरत भी नहीं, ज़्यादा पीछे जाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो इसमें जो है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेस्लर ने जो है आर्मी अल्फा आर्मी बीटा के दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया था, वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल दोनों को मिक्स किया था। सो लाइकवाइज वेस्लर इंटेलिजेंस एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3 में 7 जो है इंडिविजुअल वर्बल सब टेस्ट थे, इंफॉर्मेशन सिमिलैरिटीज अरिथमेटिक वोकैबलरी कॉम्प्रिहेंशन डिजिट स्पैन एंड लेटर नंबरिंग सीक्वेंसिंग, और 7 जो है परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल टेस्ट थे, पिक्चर कॉम्प्लीशन पिक्चर अरेंजमेंट ब्लॉक डिजाइन ऑब्जेक्ट असेंबली मैट्रिक्स यूजिंग डिजिट सिंबल एंड सिंबल सर्च। तो ये जो है 7 डोमेन जो है वर्बल के थे और 7 सब टेस्ट जो है वो वर्बल के थे, और 7 सब टेस्ट जो है परफॉर्मेंस के थे। तो दोनों के जो है अलग अलग स्कोर भी लिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, और दोनों के कंबाइंड स्कोर भी लिए जाते हैं, यानी कि 3 तरह के IQ स्कोर मिलेंगे हमारे को ये टेस्ट करेंगे। तो एक तो वर्बल IQ हो गई, एक जो फर्स्ट 7 जो है सब टेस्ट हैं, सेकेंड 7 टेस्ट का जो स्कोर होगा वो परफॉर्मेंस IQ देगा, और दोनों को कंबाइन कर दें तो ये फुल स्केल IQ होगा। तो अब ये जो है बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 74 के लिए अप्लीकेबल है, 16 to 74। और इसमें जो मीन स्कोर है वो 100 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 15, 15। तो ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्कोर जो है एवरेज माना जाता है, यानी कि 30 ±7 100, तो कितना हो जाएगा 70 to 130, रेंज हो गई 70 to 130, अबव 70 एंड अप टू जो है रादर इंक्लूडिंग 70 एंड अप टू 130 जो है हम ये मानेंगे कि एवरेज इंटेलिजेंस है। ये स्टैटिस्टिकली मैंने बताया, लेकिन इन्होंने जो अपनी रेंज बताई स्कोर्स बिटवीन 90 एंड 110 आर कंसिडर्ड विद द एवरेज रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो स्टैटिस्टिकली जो होता है वो तो ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर स्कोर है तो हम उसको एवरेज ही मानते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस टेस्टिंग तो स्केल में जो दिया गया है एवरेज स्कोर हमको वो लेना पड़ेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स और इंटेलिजेंस स्केल को मिक्स नहीं करना, ये ध्यान रखना कि कन्फ्यूज हो जाओगे स्टैटिस्टिक्स में तो ये दिया है और यहाँ पे ये दिया है, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है उस हिसाब से है ये। स्टैटिस्टिक्स तो मैथमेटिकल है, सो 90 एंड 110 के बीच में एवरेज स्कोर है। और जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था बिलो 70 जो है वो मेंटल रिटार्डेशन वाली जो है रेंज आ जाती है, मेंटली डिफिशियंट रेंज, और स्कोर्स अबव
130 वो वेरी सुपीरियर आ जाते हैं। ऐसे फर्दर कैटेगरीज उसमें दे रखी हैं, तो वो मैनुअल देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। और जो सब टेस्ट की हम बात करें, तो सब टेस्ट में जो है मीन है 10 का और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 का। तो जो भी अकॉर्डिंगली उसमें रेंजेस दे रखी है वो हो जाएंगे। अब जो है सब टेस्ट पे आते हैं एक एक करके। तो पहला है पिक्चर कंप्लीशन। तो पिक्चर कंप्लीशन में क्या हो रहा है कि एक जो है कोई कॉमन सेटिंग सी होगी एवरीडे लाइफ की, वो पिक्चर दी होगी, और उस पिक्चर में इंडिविजुअल को ये बताना होगा कि कौन सी पिक्चर में जो है कोई चीज़ मिसिंग है इम्पोर्टेंट सी। जैसे कि लेटर से घड़ी की पिक्चर दी है, घड़ी में जो है पिक्चर तो दी है घड़ी की, लेकिन उसमें जो आवर वाला हैंड है या मिनट वाला हैंड है वो मिसिंग है। सेकंड वाले हैंड के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन आवर या मिनट का अगर मिसिंग है तो काम नहीं चलेगा, तो वो उसको बताना होगा। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कॉम की पिक्चर दी है, तो कॉम में जो टीथ होते हैं जो उसके बालों में जाते हैं टीथ, वो अगर टूटे हुए हैं तो कॉम किस काम का। उसमें बीच में से एक आधा जो कॉम का टीथ है वो मिसिंग है, तो वो जो है पॉइंट आउट करेगा। तो ये पिक्चर कंप्लीशन हो गया। इसमें जो विस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में जो सेकेंड सब टेस्ट है वो है वोकैबलरी का। वोकैबलरी में उसकी वेरियस टाइप की जो वोकैबलरी है वो देखी जाती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, डिपेंड करता है जो उसमें दिए हुए हैं स्टैंडर्डाइज वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। फिर देन अनदर सब टेस्ट इज डिजिट सिंबल वाला। इसमें जो है 1 to 9 जो है डिजिट्स लिखी होती है और उनके नीचे सिंबल्स बने होते हैं। जैसे सपोज 1 के लिए X है, 2 के लिए V है, 3 के लिए W है ना, 4 के लिए उल्टा W है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। और फिर उसके नीचे जो है रैंडमली वर्ड जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 9 काफ़ी सारे, और उनके नीचे जो है एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं। तो उन एम्प्टी बॉक्सेस में उन सिंबल्स को फिलअप करना होता है जो ऊपर दिए होते हैं। ये डिजिट सिंबल कोडिंग हो गया। सिमिलैरिटीज में जैसे दो वर्ड उसको दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा बताओ दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, जैसे कि टेबल और चेयर, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों फर्नीचर है, या कार या ट्रक, कुछ भी ऐसे डिपेंड करता है। फिर ब्लॉक डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑफ कोर्स, वो अलग अलग कलर से पेंटेड होते हैं, रेड एंड वाइट, और कोई कोई फेस पूरा रेड होगा, कोई फेस पूरा वाइट होगा, कोई आधा रेड आधा वाइट होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और एक कागज़ पर डिज़ाइन बना होता है रेड एंड वाइट का, तो उनसे बोला जाता है सब्जेक्ट से कि जो डिज़ाइन बना हुआ है पेपर में इसको ब्लॉक से बनाओ, ब्लॉक्स को यूज़ करके बनाओ। तो 2 डायमेंशनल चीज़ को देख के 3 डायमेंशनल चीज़ को बनाना है। अरिथमेटिक में वेरियस क्वेश्चंस पोज किए जाते हैं, स्टार्टिंग में वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि यू हैव 4 रुपीज, समबडी गेव यू 5 रुपीज, नाउ हाउ मेनी रुपीज यू हैव, यू हैव 3 बुक्स, यू गेव 1 बुक टू समबडी, हाउ मेनी बुक्स यू हैव, ऐसे सिंपल से स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इसमें जो है वो वर्किंग मेमोरी देख रहे होते हैं कि मेंटली कितना कैलकुलेट कर पाता है। पेपर पे कैलकुलेट करना अलाउड नहीं होता है, वॉट एवर कैलकुलेशन इज टू बी डन दैट इज सपोज टू बी डन इन हैंड। देन मैट्रिक्स रीजनिंग होती है। तो इसमें जो है कई सारे जो है ग्रिडेड पैटर्न में जो है फिगर्स बनी होंगी और उसमें से कोई एक जो है मिसिंग होगा पार्ट, और उनको 5 ऑप्शन दिए होंगे पॉसिबल और चॉइसेस, उसमें से एक चूज करना कि यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा। फिर डिजिट स्पैन जो है दो तरह का होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो इसमें कुछ नंबर्स बोले जाते हैं, तो डिजिट फॉरवर्ड में तो उन नंबर्स को हमने रिपीट करना जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला 4 2 5, तो वो भी रिपीट करेगा 4 2 5, ये डिजिट फॉरवर्ड हुआ। और इसी तरह से कुछ नंबर्स बोले जाते हैं डिफरेंट नंबर्स, उनको जो है उसको रिपीट करना होता है रिवर्स में, जैसे हमने बोला कि 6 9 7, तो 6 9 7 को जो है वो बोलेगा 7 9 6, ऐसे।
तो धीरे धीरे डिजिट्स बढ़ते जाते हैं, 2 डिजिट से स्टार्ट होकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये भी वर्किंग मेमोरी का टेस्ट होता है। देन इंफॉर्मेशन में क्या है कि उसको कुछ नॉर्मल जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं एवरीडे लाइफ के, चाहे ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस से, और उससे पूछा जाता है कि उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिपेंड्स कि वो किस लेवल का है, कि वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, या प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है तुम्हारे स्टेट का, इस तरह से। फिर पिक्चर अरेंजमेंट में क्या है कि कई सारी पिक्चर्स जो है एक क्लब करके, इकट्ठी करके उसको दी जाती है, और उन पिक्चर्स को अरेंज करके एक स्टोरी बनानी होती है। मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंगली वो पिक्चर सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो वो जो है अरेंज करेगा। फिर उसको जो है चेक किया जाता है कि उसमें कितनी सही दिखाई, कितनी गलत दिखाई। देन कॉम्प्रिहेंशन में कुछ जो है वर्बली ओरली क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाते हैं, और ये देखने के लिए कि वो सोशल रूल्स को कितना फॉलो करता है। कि जैसे आपसे कोई बड़ा आदमी जो है बस में खड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, या आपको जो है किसी देखा कि किसी का पर्स गिर गया आप क्या करोगे, है ना, इस टाइप के चीज़ें होती हैं। फिर एक होता है सिंबल सर्च। इसमें क्या होता है कि 2 सिंबल होते हैं, एक पेयर ऑफ सिंबल होता है लेफ्ट में, और राइट साइड में 5 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो जो लेफ्ट में दोनों सिंबल हैं उनमें से एक भी सिंबल जो है राइट के 5 में से मैच करता है तो आंसर यस होगा, और अगर दोनों में से एक भी मैच नहीं करता तो आंसर नो होगा। तो इस तरह से ये है, ये प्रोसेसिंग स्पीड को जो है चेक करने के लिए होता है। देन कम्स लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। तो ये भी जो है वर्किंग मेमोरी के लिए होता है। इसमें क्या होता है, नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिक्स करके बोलते हैं, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स को मिक्स करके बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट्स है उसको क्या करना है कि पहले नंबर्स बोलने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर अल्फाबेट्स बोलने हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमने बोला 41CZ, तो वो बोलेगा 14CZ। हमने बोला कि 82NY, तो वो बोलेगा 28NY। ऐसे हम सीक्वेंस कैसे भी कर सकते हैं, उसमें स्टैंडर्डाइज दिया होता है वैसे बोलना होता है। तो वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं ग्रेजुअली। फिर ऑब्जेक्ट असेंबली जो है, इसमें जो है एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करके जो है उसको सब्जेक्ट को दिए जाते हैं, कि उसको बोलते हैं कि इनको असेंबल करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इस तरह से ये सब जो है 14 सब टेस्ट होते हैं वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3 में। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग है वो तो स्टैंडर्डाइज ऑब्वियसली होगी, तभी वो टेस्ट हो पाएगा। इसमें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है टेस्ट करते समय, कि एक तो हमें रैपो एस्टैब्लिश अच्छा करना चाहिए सब्जेक्ट से। तो परफॉर्मेंस की जो टेस्ट होते हैं इस टाइप के, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी होती है सब्जेक्ट की। तो अगर रैपो अच्छा नहीं हुआ तो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे होगी, हो ही नहीं सकती है। और बेस्ट परफॉर्मेंस उसने सब्जेक्ट ने दी है तो रिजल्ट अपने आप ही गलत है। दूसरी बात क्या है कि जब वो कर रहा है उन टेस्टों को, तो हमें सब्जेक्ट के बिहेवियर पे भी नज़र रखनी है। कि जैसे वो जो है बहुत ज़्यादा जरूर से ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा है, या इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है कि स्पीड को भूल ही जा रहा है, या उसको मोटिवेशन है ही नहीं कुछ करने का, या अपनी फेलियर्स पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी बिहेवियर में हम देखते हैं जब IQ टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट होता है रिजल्ट पे। अगर सब्जेक्ट मोटिवेटेड ही नहीं है हाई परफॉर्मेंस के, तो रिजल्ट गलत आना ही आना है। तो इस जो बैचलर्स जो सीरीज के स्केल्स हैं, इंक्लूडिंग दिस बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3, इसमें क्या क्वेश्चंस और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े ग्रेजुअली डिफिकल्ट मैनर में पोज की जाती है। सबसे इजी वाली सबसे पहले, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, और फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, ऐसे करते करते सबसे डिफिकल्ट वाली लास्ट में दी जाती है। और लिमिट सेट होती है कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल, हर लेवल के लिए, कि इस लेवल पे पहुंच के अगर जैसे 3 बार वो नहीं कर पा रहा है तो फिर जो है
उसको आगे फर्दर क्वेश्चंस देने की जरूरत नहीं, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट सबसेट। उसका फायदा ये होता है कि दो बातें हैं, अगर हम सारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल एक कर देंगे तो क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको वो सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग होगा, तो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और जो है अगर हमने जो है सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ईजी बना दिए कि एक एवरेज आदमी कर ले, तो जो इंटेलिजेंट वाले जो लोग हैं उनको तो उस टेस्ट में मज़ा ही नहीं आएगा, वो भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत ईजी टेस्ट है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। तो इसलिए जो है ग्रेजुअली असेंडिंग ऑर्डर में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी क्वेश्चन रखे जाते हैं, और अगर हम जो डिसाइडेड नंबर ऑफ फेलियर्स हैं उससे ज़्यादा फेलियर होने पे फिर हम और फर्दर आगे नहीं जाते, वरना वो भी एम्बेरेसिंग हो जाता है सब्जेक्ट के लिए कि सपोज 14 क्वेश्चन है और उसके बाद 4 के बाद वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो 4 के बाद मैंने कहा 5, 6, 7 नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके बाद 3 हो गए तो आगे 8 जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पूरे 14 तक जाएंगे तो फिर होगा ये कि वो एम्बेरेस फील करेगा कि मुझे तो अधिकतर आते ही, तो मोटिवेशन उसका वैसे डाउन हो जाएगा। सो ईदर वे इट इज़ बेनिफिशियल, वेदर द क्लाइंट इज नॉट सो गुड और इट्स क्लाइंट इज वेरी इंटेलिजेंट, दोनों ही केसेस में ये फायदे वाली बात है कि हम उसको एक डिफिकल्टी के लेवल में अरेंज करके उसको दें, जो कि टेस्ट में होता है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इसमें अपने आप ही होता है, हमें कुछ नहीं करना था, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए बस उनको फॉलो करना होता है। सो दिस वॉज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग ऑफ बैचलर इंटेलिजेंस स्केल। देन वी कम टू अब हाँ, तो एक जैसे इसमें लिखा हुआ बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3 में देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट विजुअल वर्बल परफॉर्मेंस डाइकोटोमी इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस। ये हमने स्टार्टिंग में जब बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि जो आर्मी अल्फा था वो वर्बल वाला था, आर्मी बीटा था वो परफॉर्मेंस टेस्ट था, तो वेस्लर ने दोनों ही चीज़ों को कंबाइंड करके ये वेस्लर सीरीज ऑफ टेस्ट बनाए थे इंटेलिजेंस के, उसमें वर्बल को भी कंबाइंड किया था और परफॉर्मेंस को भी कंबाइंड किया था। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये बहुत लोग ये मानते हैं कि खाली ये वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों को मिला देने से ही सारी इंटेलिजेंस समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस जो है इससे कहीं ज़्यादा चीज़ है, जैसे स्पीयरमैन ने तो एक खाली जी फैक्टर बोला था, जनरल फैक्टर, बस इंटेलिजेंस जनरल फैक्टर है, वो हर एक में जो है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो वेस्लर ने जो है कहा कि उन्होंने एक नहीं उससे ज़्यादा उसको वर्बल और परफॉर्मेंस में कर दिया। फिर जो है आगे जो आए उन्होंने कहा कि 2 से भी ज़्यादा है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को जो है सबको मेजर करना पड़ेगा। सो अब जैसे वेस्लर वाले स्केल में जो है 4 इंडाइसेस हैं, कौन कौन से, पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जिसमें वोकैबुलरी सिमिलैरिटीज इंफॉर्मेशन ये हो गया, फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, जैसे पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, थर्ड है वर्किंग मेमोरी जिसमें अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग जो भी मैंने बताया, देन फोर्थ इज प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें डिजिट सिंपल कोडिंग और सिंपल सर्च है। तो ये 4 इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस में इंटेलिजेंस को नापाया विस्लर ने। तो और भी जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं कोई कोई सी डायमेंशन को कोई कोई सी डायमेंशन को कर रहा होता है। अब इसमें जो कुछ टेस्ट जो मैंने बताया जैसे पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन है, ऑब्जेक्ट असेंबली सब टेस्ट हैं, इनका जो है स्कोर काउंट नहीं होता है टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस, IQ के लिए वो कैलकुलेशन नहीं होता, वो जो है ऑप्शनल होते हैं, आप करो या मत करो उसका स्कोर उसमें शामिल नहीं होगा। ओवरऑल जो है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल में जो मीन स्कोर है वो 100 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, दैट इज देयर। देन वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल 3 का 4 आया 2008 में, तो जैसे पहले वाले में 14 सब टेस्ट थे इसमें 10 कोर सब टेस्ट हैं, तो इन्होंने जो अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। इन्होंने जनरल एबिलिटी इंडेक्स जिसको शॉर्ट में GI कहते हैं वो जो है कैलकुलेट करना शुरू किया। इन्होंने जो है क्या क्या किया, इन्होंने जो 4 जो इंडाइसेस लिए, एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन,
इंडेक्स, इसको शॉर्ट में VCI बोला, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स को PRI बोला, और वर्किंग मेमोरी इंडेक्स को WMI बोला, और लास्ट है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स को PSI बोला। अब इसमें आगे उन्होंने वही लिखा हुआ है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिमिलैरिटीज में क्या है, जैसे एप्पल और पियर में क्या सिमिलैरिटी है ना, और जैसे उससे पूछा गिटार क्या होता है, नोबेल प्राइज क्या होता है, इस टाइप से चीज़ें पूछी इंफॉर्मेशन में, कि वही मैंने बताया प्रेसिडेंट क्या है। फिर कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि कोई जो है कहावत जिसे कहते हैं ना प्रोवर्ब, वो पूछी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन ऑफ द पर्सन। तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज वो समझेगा उसी लैंग्वेज की प्रोवर्ब जो है पूछी जाएगी, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे इंग्लिश की प्रोवर्ब पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएगा। ये भी पॉसिबल है कि जो लैंग्वेज वो बोलता हो उस लैंग्वेज की प्रोवर्ब हमें ही नहीं पता है तो पूछेंगे क्या, तो हम उससे ऐसे पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हारी लैंग्वेज में कोई प्रोवर्ब बताओ, फिर उससे उस प्रोवर्ब का मीनिंग पूछेंगे, फिर उसको बोलेंगे अच्छा बताओ कहाँ पर यूज़ होगी मेटाफोरिकली, हाउ व्हाट डज इट मीन वेयर इट इज़ यूज। इस तरह से ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में होता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है ये सप्लीमेंट्री होता है, इसका स्कोर नहीं जुड़ता है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। देन परसेप्चुअल इंडेक्स में बता दिया ब्लॉक डिजाइन मैट्रिक्स, विजुअल पजल, पिक्चर कंप्लीशन और फिगर वेट, ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका स्कोर नहीं जुड़ता है। तो फिगर वेट में जो है क्वांटिटेटिव और एनालॉजिकल रीजनिंग होती है। एनालॉजिकल में जैसे कि फिश इज टू वाटर देयरफॉर बर्ड इज टू, तो कोई एयर कहेगा स्काई कहेगा, तो हाँ कॉन्टेक्स्ट तो समझ गया कि जहाँ पे वो रहते हैं वो है। इसी तरह क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि अगर दो लोग जो है मिलके किसी काम को 4 घंटे में काम करते हैं तो जो है एक आदमी को कितना टाइम लगेगा या 8 आदमी को कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछा जाता है। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में बता चुका हूँ डिजिट स्पैन, अरिथमेटिक, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, प्रोसेसिंग स्पीड में जो है सिंबल सर्च कोडिंग, ये हो गया। बस वो GI जो जनरल एबिलिटी इंडेक्स है वो सब चारों का स्कोर कंबाइंड करके हो गया था। तो इसमें जो है हमारे को टोटली 5 तरह की वो स्कोर मिलेंगे। एक तो हर डायमेंशन का वोकैबुलरी का, प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह, वर्किंग मेमोरी हर एक का होगा। तो ये सबको मिला लिया तो ये हो गया फुल स्केल IQ, ठीक है। और जो खाली जो है हमने मतलब इसमें VCI और PRI ये मिलाया तो फिर जो है वो जनरल एबिलिटी इंडेक्स हो गया। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी और कोई खास फ़र्क नहीं था। हाँ ये ज़रूर फ़र्क था, इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि इन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स के 2200 लोगों पे इसको स्टैंडर्डाइज किया था। सो इसमें जो है कल्चर बायस तो है ही है कि जो अमेरिकन्स हैं उन पे बेस्ड है ये टेस्ट। फिर इन्होंने इसको फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सटेंड किया 688 कैनेडियंस पे सेम एज रेंज में। तो सैम्पल साइज तो अच्छा खासा हो गया, पर अभी भी अगर हम देखें तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है उस कॉन्टिनेंट के लोगों पे स्टैंडर्डाइज किया गया है। सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल जब इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, हालांकि कल्चर फ्री माना जाता है, बट दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। सो जो मैंने बताया था कि 100 जो है मीन IQ होगी और 15 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब एक स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे गए तो 85 स्कोर हो गया, एक स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर गए तो 115 हो गया। सो विद इन दीज टू स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स 85 to 115 अप्रॉक्सीमेटली 68% जो है सब्जेक्ट्स फॉल करेंगे जब हम करेंगे टेस्ट किसी सब्जेक्ट का। तो सो फिर देन कम्स बैचलर स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो ऊपर वाला जो है वो एडल्ट के लिए था, तो बच्चों के लिए भी तो चाहिए था। तो ये 1949 में फर्स्ट टाइम हुआ, फिर रिवाइज हुआ 1974 में, अगेन रिवाइज हुआ 1991 में, फिर अगेन रिवाइज हुआ 2003 में। मतलब ये रिवाइज होते रहते हैं क्योंकि एक जो है प्रीकॉक्सिटी का प्रिंसिपल है कि जो हर जनरेशन जो है सक्सेसिव जनरेशन पिछली जनरेशन से कुछ चीज़ें जल्दी
सीख जाती है। तो अगर हम जो है वो 1900 का बनाया हुआ कोई टेस्ट अभी भी यूज़ करेंगे तो अपने आप ही इररिलेवेंट हो जाता है। उस टाइम के एजुकेशन स्टैंडर्ड में आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। तो लोगों में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, ज़्यादा उसमें अपडेशन की ज़रूरत होती है। और ये एज 6 इयर्स टू 16 इयर्स के लिए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो ये थोड़ा देर सिंपल। तो इसमें भी जो है वही 4 इंडाइसेस हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जैसे ऊपर वोकेबलरी था इसमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, परसेप्चुअल रीजनिंग ऊपर भी था PRI, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड सेम है, खाली वो वर्बल जो है इंडेक्स को वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कर दिया गया है। तो इसमें जो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में 3 जो है सब टेस्ट हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिमिलैरिटी, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 2 सप्लीमेंट्री टेस्ट हैं इंफॉर्मेशन और वर्ड रीजनिंग के, इनका स्कोर नहीं जुड़ता है। परसेप्चुअल रीजनिंग में भी ये 3 कोर सब टेस्ट हैं, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर कंसेप्ट और मैट्रिक्स रीजनिंग। एक सप्लीमेंट्री टेस्ट है पिक्चर कंप्लीशन वाला जिसका स्कोर नहीं जुड़ता है। एंड लाइकवाइज जो वर्किंग मेमोरी है उसके भी जो है 2 कोर सब टेस्ट हैं, कौन कौन से, डिजिट स्पैन और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। सो मोर और लेस जो है इन्होंने वही मेंटेन किया हुआ है अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल वर्किंग मेमोरी सॉरी IQ मेजर करने का, एक्सेप्ट दैट कि जो ये जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा बच्चों के हिसाब से इजी कर दिया गया है, बाकी एवरीथिंग रिमेंस नॉर्मल। सो देन इसमें भी जो है वो होता है कि IQ फुल IQ भी होती है, सब स्केल वाली भी होती है 4 इंडाइसेस पे। तो दी आर द सिमिलैरिटीज जो सभी विचलर वाले स्केल में मिलेगी, और हर स्केल में जो है सब स्केल में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 10 सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और जो मीन जो है 10 है, फुल स्केल का 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और सब टेस्ट का 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। सो देन कम्स विचलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये अभी जो बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं हुए हैं या जस्ट स्कूल जाना शुरू हुए हैं, एज 4 टू 6, जो पिछला वाला टेस्ट था वो एज 6 टू 16 था, ये 4 टू 6 है। तो मतलब बेसिकली जो विचलर सीरीज है ये ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को कवर करता है। जैसे WPPSI विचलर प्राइमरी एंड प्री स्कूल स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये 2 से 7 वालों के लिए भी है। 67 में पब्लिश हुआ था वो 4 टू 6 के लिए था, और फिर जो 3 हुआ मतलब रिवाइज होके 2 बार तो वो फिर 2 टू 7 के लिए हुआ, मतलब 4 की जगह 2 हो गया, 6 की जगह 7 हो गया। तो इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं। अगेन बाकी चीज़ें सेम ही है, मीन स्कोर 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 15। और जहाँ तक उसकी बात है सब टेस्ट वाले की बात है तो उसमें वही है कि जो मीन है वो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, एवरीथिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट नाउ इट इज फॉर प्राइमरी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देन वी कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल। तो ये हमने बात कर ली थी कि ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे और जो चिल्ड्रन हु आर नीडिंग स्पेशल एजुकेशन उनके लिए बनाया गया था, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट दे कैन बी हेल्प बेटर एंड द सीट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स डो नॉट गो वेस्ट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू गो विद द नॉर्मल एजुकेशन, ये पर्पज था। फिर ये इसमें जो है स्टार्टिंग में 30 प्रॉब्लम्स थी ऑफ वेरिंग कैटेगरी, और एक्सट्रीमली सिंपल सेंसरी मोटर टास्क थे वो भी थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थी, जजमेंट भी था, रीजनिंग भी था। तो फिर जो है टर्मन एंड मेरिल उन्होंने 1937 में इस टेस्ट के बारे में, इस टेस्ट मतलब सैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के लिए बोला, ये इट इज़ नॉट सिंपली जस्ट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तो एक स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू मैथड है विच इज़ हाईली इंटरेस्टिंग टू द सब्जेक्ट, और जो बड़े नेचुरल से रिस्पॉन्सेज हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हैं, मतलब काफ़ी वाइड चीज़ों को ये चेक कर रहा है।
तो अब जो फिफ्थ एडिशन इसका स्टैनफोर्ड बिने का आया, वो वर्बल टेस्ट की तरफ ज़्यादा लीनिंग है, तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें उसमें वर्बल वाली हैं। तो अब स्टैनफोर्ड बिने स्केल में जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों पे फोकस किया गया है। जैसे फ्लूइड रीजनिंग क्या होती है कि जिसके लिए कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आपको पहले से नहीं भी पता है तो भी आप उसको रीजनिंग से, लॉजिक से, एनालॉजी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक जो है सब टेस्ट फ्लूइड रीजनिंग का है और दूसरा नॉलेज का है कि ऑलरेडी क्या क्या पता है। फिर थर्ड इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, अरिथमेटिक जैसा। फिर फोर्थ इज विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग। अब जितने भी मैं बोल रहा हूँ हर एक में जो है वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर और क्लिनिशियन के ऊपर कि वो कौन सा बेटर समझता है यूज़ करना, वर्बल वाला पोर्शन या नॉन वर्बल वाला। क्योंकि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट जो है पढ़ा लिखा नहीं तो नॉन वर्बल करना ही पड़ेगा, या कोई सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज नहीं समझता है हमारी प्रॉपर तो फिर जो है उसके लिए नॉन वर्बल वाला करना पड़ेगा। इस तरह से वर्किंग मेमोरी है। नाउ इसमें जो स्टैनफोर्ड बिने वाला है, अगर जो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं दी जाएंगी बच्चे को तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उसको, मतलब बहुत इजी से लगेगा, बोरिंग सा हो जाएगा। और अगर जो है बहुत डिफिकल्टी दे दी जाएंगी तो भी जो है उसको लगेगा कि मेरे लेवल से नीचे का है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसको लगेगा। तो इसलिए जो है इसको प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट बनाया गया, जैसे बैचलर में था ना उसी तरह इसमें भी है। हर अडल्ट रादर एनी इंटेलिजेंस स्केल में ये होता है, प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी बढ़ती है। आगे भी हम एक और आएगा स्केल उस पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, उसमें भी यही है, प्रोग्रेसिवली डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि देर इज समथिंग कॉल्ड आइटम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू। आइटम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे जो आइटम्स हैं क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हायर इंटेलिजेंट और लोअर इंटेलिजेंट लेवल के लोगों में। यानी कि अगर मान लो हमने क्वेश्चन ऐसे बना दिए है कि सभी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना कि कौन हायर आईक्यू वाला है कौन लोअर आईक्यू वाला है। या हमने इतने डिफिकल्ट बना दिए कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो भी जो है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हाई आईक्यू और लो आईक्यू के बीच में। तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से बने और उससे हमें पता लग जाए कि हाँ भाई इस ये क्वेश्चन को इतने आईक्यू वाले नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इतने आईक्यू वाले ऐसे होता है। तो हमें जो है ये देखना होता है मेनली जो आईक्यू टेस्ट कर रहे होते हैं कि उसकी मेंटल एज क्या है इंसान की, ये सबसे की फैक्टर होता है। आईक्यू जो भी निकल के आए वो तो आए, लेकिन उसकी मेंटल एज जो है वो की फैक्टर है जो हमारे को जाननी होती है, जिसका कि इम्पैक्ट होता है। सो दैट्स हाउ द टेस्ट आर डिजाइन फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स एंड दैट्स वाई दे आर केप्ट प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट। देन कम्स वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी थर्ड एडिशन। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है ये साइको एजुकेशनल बैटरी है, मतलब कई सारे टेस्ट होंगे और साइको और एजुकेशन दो वर्ड जुड़े हैं तो कॉग्निटिव एबिलिटी तो टेस्ट होनी होनी है। तो अब देखो ये टेस्ट जो है कितना अच्छा वैलिड है फॉर द एजेस ऑफ 2 to 90+ ईयर्स, कितनी वाइड रेंज है इसकी वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ एज, बहुत वाइड है। और क्लिनिकल असेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है टेस्ट जो है हॉर्न के जो है जो प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मॉडल, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें जो 7 different abilities को मेजर किया जाता है, जैसे हमने बैचलर वाले में देखा 4 different indices आर मेजर्ड, तो यहाँ पे 7 different abilities आर मेजर्ड। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म रिट्रीवल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, प्रोसेसिंग स्पीड, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज एंड फ्लूइड रीजनिंग। तो ये 7 different जो है सेपरेट एबिलिटीज को इसमें मेजर किया जाता है।
सो यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। नाउ कम्स रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो इसमें जो है, जैसे कि मैंने पीछे जो बैचलर वाली में बात कराई थी उसमें मैंने बताया कि इनिशियल स्टैंडर्डाइजेशन अमेरिकन पे था 2200 और उसके बाद में 688 कैनेडियंस के हुआ स्टैंडर्डाइजेशन में शामिल। तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कल्चर पे ज़्यादा हुआ है, पर हमको चाहिए होते ऐसे टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि किसी भी कल्चर पर यूज़ हो सके। सो उस टाइप का एक टेस्ट है रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सो ये कल्चर फ्री है, इसमें जो पेपर पेंसिल या कंप्यूटर वाले से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, तो उसमें जो है एनालॉजी के फॉर्म में एक मैट्रिक्स दिया होगा, कुछ फिगर्स दी होंगी, फिर उन फिगर्स के बेसिस पे जो हमें ढूंढना होगा इन फिगर्स में क्या कॉमन है या क्या सीक्वेंस है, उसके बेसिस पे एक ब्लैंक जो जगह होगी उसमें कौन सा जो है फिगर फिट होगा, उसमें 5 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक चूज करना है, इस तरह से जो है इसमें होता है। तो इसमें कल्चर का कोई लेना देना नहीं है और कोई प्रायर नॉलेज का भी लेना देना नहीं कि एजुकेशन लेवल इतना होना चाहिए, एनीबडी कैन डू इट। तो इसमें क्या होता है कि 5 जो है डिफरेंट सेट होते हैं क्वेश्चंस के और हर सेट में 12 मैट्रिसेस होती हैं, तो टोटल 5 × 12 60 जो है मैट्रिसेस जो है ग्रुप्ड होती हैं। मतलब वर्टिकली आप मान के चलो कि जैसे कि 5 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर 12 मैट्रिसेस हैं, तो टोटल 60। तो इसमें भी जो है हर मैट्रिक्स जो है डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो डिफरेंट लेवल के जो है आईक्यू को या कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट कर रही होती है और हर मैट्रिक्स जो है प्रोग्रेसिवली अपने में डिफिकल्ट होती जाती है, तो तभी वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी। तो ये 5 साल के बच्चों से लेके एडल्ट्स तक सभी के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ बड़े बच्चे या एडल्ट्स भी जो मेंटल ट्रार्डेशन का शो कर रहे हैं कि हमें सस्पेक्टेड है कि मेंटल ट्रार्डेशन या कंफर्म भी है कि मेंटल ट्रार्डेशन है, तो उनके लिए जो है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो रेवेन्स जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हमने बात किया था अभी उसको स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी कहते हैं, तो वो ब्लैक एंड वाइट है, मतलब पांचों सेट जो हैं 12-12 के ऑल 60 मैट्रिसेस आर ब्लैक एंड वाइट, लेकिन इफ द चिल्ड्रन आर ओल्डर एंड मेंटली रिटार्डेड देन वी यूज कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस उनके लिए। फिर इसमें जो है केवल जो है 3 सेट्स ऑफ 12 मैट्रिसेस होगा, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है ना, तो हम उनको अगर बहुत ज़्यादा करवाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, डिफिकल्टी लेवल उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए ओनली 3 सेट्स ऑफ 12 मैट्रिसेस आर कैप्ट। ऊपर से 5 सेट ऑफ 12 मैट्रिसेस, यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ 12 मैट्रिसेस हैं। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ऊपर जो हमने सबसे फर्स्ट में बात की थी रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, उसमें जो है डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे किसी के मान लीजिए आउट ऑफ 50 45 आए और एक का आया 46, तो अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में कितना फ़र्क है, नंबर तो एक ही फ़र्क है, या 48 आया किसी का, 45 आया किसी का, तो हमें लगेगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, तो हम डिफरेंशिएट उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाने के लिए एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस थे ऐसे ही एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट आ जाए कि कितना फ़र्क है दोनों में या बाकी सब्जेक्ट्स का आपस में, वो इफेक्टिवली पता लग जाता है, वहाँ यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, शॉर्ट में KABC कहते हैं। तो एज 3 to 13 के लिए चिल्ड्रन की बात हो रही है, इसमें 5 ग्लोबल स्केल्स हैं, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, लर्निंग एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी एंड क्रिस्टलाइज एबिलिटी। तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में जो ऐसी कोई डिफिकल्टी दी जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी, उसमें एक चीज़ करने के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, ऐसे होनी है, और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में कोई ऐसा ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें वो प्रॉब्लम जो है दोनों को एक साथ प्रोसेस करना ज़रूरी होगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस होकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लर्निंग एबिलिटी में कुछ चीज़ लर्न करने को दी जाएगी, फिर देखा जाएगा कितना सीखा,
प्लानिंग एबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, कुछ प्लान करने के लिए जो दिया जाएगा तो प्लानिंग उसकी कैसी सक्सेसफुल है नहीं है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में जो ऑलरेडी चीज़ें पहले सीख चुका है, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं, उससे पहले अपनी लाइफ में सीख चुका है, वो कितना उसको पता है। तो ये सारे स्कोर जो है कंबाइन करके, पांचों जो स्केल हैं उनको कंबाइन करके बनता है मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में MPI कहते हैं। और ये जो है एक नॉन वर्बल इंडेक्स हुआ, ठीक है। देन KABC को एडमिनिस्टर करने में कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है, कंपेरेटिव किस में, वेस्लर और स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है KABC में। देन कम्स कॉफमैन एडोलेसेंट एंड अडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें जो है एज 11 to 85 के लिए, एडोलेसेंट एंड एडल्ट है ना, तो 11 to 85 के लिए। अगेन ये फ्लूइड क्रिस्टलाइज एंड कंपोजिट IQ, ये तीन तरह की हमको IQ बताता है, फ्लूइड क्रिस्टलाइज और कंपोजिट। और इसमें 6 सब टेस्ट होते हैं और एक एक्सटेंडेड बैटरी भी होती है। एक्सटेंडेड बैटरी का मतलब कि और हम एडिशनल टेस्ट उसमें डालते हैं, मान लो हमको कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसको और डिफरेंशिएट करने के लिए बारीकी से वी कैन एक्सपेंड द बैटरी। उसमें होते हैं कुछ टेस्ट ऑलरेडी कि इफ यू वांट टू यूज एक्सपेंडेड बैटरी ये टेस्ट होंगे, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारे को और बेटर मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडेड बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर ना यूज़ करें कि जो बहुत एजेड है, क्योंकि वो थक जाएगा, या मेंटली रिटार्डेड है तो भी, या बहुत छोटा बच्चा है तो भी। तो एक्सपेंडेड बैटरी के लिए सब्जेक्ट को भी देखना होगा कि वो सूटेबल है कि नहीं है एक्सपेंडेड बैटरी के लिए। देन कम्स डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल, तो ये एज 2 to 17 के लिए है। तो बेसिकली स्कूल लेवल की इसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स और स्पेलिंग अचीवमेंट को टेस्ट किया जाता है। सो इनको जो है स्क्रीनर्स भी कहते हैं। स्क्रीनर मतलब स्क्रीन करते हैं ना कि भाई ये चीज़ फिल्टर हो जाए, ये हमें इसको इससे अलग करना है। तो हमें कुछ पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जैसे अलग करने हैं कि कोई जो है मैथमेटिक्स के लायक ही नहीं है, कोई जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लायक है, कोई एडवांस मैथमेटिक्स के लायक है, तो हम कैसे स्क्रीन करेंगे। तो इसीलिए नाम भी इसका यही है, डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल्स। तो ये स्क्रीन कर देता है लोगों को। तो अब इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्डाइज किया गया था, तो इसमें कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट बैटरी दो हैं। डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल में कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट बैटरीज दो हैं, तो दोनों ही बैटरीज के लिए सेम सब्जेक्ट यूज किए गए थे। तो इसलिए इस टेस्ट की इंट्रा एंड इंटर कंपैरिजन ऑफ टू डोमेन्स आर पॉसिबल। यानी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट का ये दोनों डोमेन्स में टेस्ट लें, कॉग्निटिव और अचीवमेंट बैटरी में, तो उनको कंपेयर किया जा सकता है कि वो कंपेरेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज भी उन्हीं सब्जेक्ट्स पे किया गया था, जिन्होंने एक डोमेन दिया उन्हीं पे दूसरा भी डोमेन दिया गया था, ये भी एक खास बात है। देन कम्स कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम एज 5 to 17। तो ये जो पास थ्योरी है एलेक्जेंडर लूरिया की, उस पर बेस्ड है। पास में क्या है, उन्होंने कहा कि जो ब्रेन की डिफरेंट जो फंक्शनिंग है वो प्लानिंग है, अटेंशन है, साइमल्टेनियस है प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ये चारों चीज़ें जो है एक साथ हो रही होती हैं ब्रेन में। तो अगर हम टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन करें जो इन चार एबिलिटी को मेजर करें, तो हम किसी के IQ को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल व्यू हो गया एबिलिटीज़ का। तो उसमें जो है जो कंटेम्प्रेरी यानी कि उस टाइम की थ्योरीज थी अप्लाइड और अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों को मिक्स करके जो है ये टेस्ट बनाया, कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये पास थ्योरी जो है एलेक्जेंडर लूरिया की। सो ये हो गया। देन कम्स क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सीज कंसर्निंग IQ टेस्ट। कुछ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है
और बाकी जो इसमें हमने अभी तक कवर नहीं किया वो हम करेंगे। सबसे पहली बात तो जो है, हम लोगों में ये मिथ है, एज्यूम करते हैं कि आईक्यू पैदा ही होते हुए होती है, या सोशली डिटरमाइन होती, कोई इस एनवायरनमेंट में रहेगा, या कोई इमोशंस पर्टिकुलर जो है किसी ने जो है फेस किए हैं तो होगा, हमेशा खुश रहने वाले होंगे या हमेशा दुखी रहने, वॉट एवर, हर एक के अपने अपनी मिसकंसेप्शंस हैं आईक्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये माना जाता था पहले इनिशियली कि डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स में जो है, रेशियल मतलब स्किन के कलर पे, ब्लैक्स हो गए, वाइट स्किन हो गया, तो उनमें जो इनबॉर्न डिफरेंस है इंटेलिजेंस का। तो एक बुक पब्लिश हुई थी द बेल कर्व, तो उसमें जो है उसने इस कंट्रोवर्सी को और रीइग्नाइट कर दिया कि अमेरिकन जो हैं दे आर इननेटली, इननेटली मतलब पैदाइशी लेस इंटेलिजेंट कॉकेशियन, वाइल कॉकेशियंस वर लेस इंटेलिजेंट देन एशियंस। सो यहाँ पे एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं इस तरह की बातों में, कोई ऐसी रिसर्च करना ही अनएथिकल है जिसमें रेशियल बेसिस पे कोई डिवाइड पैदा हो। सो इसलिए भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जो ट्विन स्टडीज होती हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, यानी कि फॉर्मिंग फ्रॉम द सेम जाइगोट टू ट्विन, टू चिल्ड्रन, टू और मोर देन टू, और डाइजाइगोटिक टू डिफरेंट जाइगोट्स एंड टू डिफरेंट चिल्ड्रन, या मोर देन टू जाइगोट्स एंड मोर देन टू चिल्ड्रन, उन पर स्टडी करके देखा गया कि जो हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, तो पैदाइशी जो हेरिटेज से जेनेटिक जो है कितनी होती है, वो वेरी करती है बिटवीन 0.4 एंड 0.8। तो अगर इसका मतलब वेरियंस, इसका स्क्वायर करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, सो वेरियंस है 16% एंड 64%, मतलब इतना वेरिएशन जो इंटेलिजेंस में आ सकता है फ्रॉम 16% टू 64% ड्यू टू जेनेटिक्स, ये रिसर्च में बताया गया। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, ये इंटेलिजेंस भी बड़े मैटर करते हैं। आप जैसे बायोलॉजिकल में बच्चे का पैदा होते ही जो है, मान लो उसके जो है हाइपोक्सिया हुआ, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है मदर की, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो गले में फंस गई बच्चे के, और उसकी वजह से उसको ब्रेन की सप्लाई 4-5 मिनट तक प्रॉपरली नहीं मिली। इतनी देर तक ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली तो बच्चे का ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा, और वो डैमेज जो है इरिवर्सिबल भी होता है। तो इरिवर्सिबल डैमेज हो गया ब्रेन को, तो उसका बच्चे का ब्रेन डेवलप कहाँ से करेगा, करेगा ही नहीं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, या मदर को जो है मैल न्यूट्रिशन मिला, खाने को ही नहीं मिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ढंग से, तो बच्चे में अपने आप ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, या मदर को जो है कोई रेडिएशन जो है मिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उसने ड्रग अब्यूज़ किया, या अल्कोहल यूज़ किया, उससे भी बच्चे का ब्रेन जो है स्मोकिंग, उससे भी हो जाएगा। तो ये सब बायोलॉजिकल कॉज हो गए। साइकोलॉजिकल में बचपन से ही बहुत एंग्जाइटी उसको रही है, बच्चे को हमेशा डर में रहा है, सेल्फ एस्टीम लो रही है, या रिवर्स में एंग्जाइटी हेल्दी रही है, मोटिवेशन हाई रहा है, सेल्फ एस्टीम हाई रही है, तो डिफरेंट डेवलपमेंट होगा उसका आईक्यू का। देन सोशली ऑल्सो, कल्चर में उसको क्या पोजीशन मिली हुई है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा, ये सारी बातें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं आईक्यू को, नॉट जस्ट जेनेटिक, नॉट जस्ट एनवायरमेंट, सो मेनी थिंग। अब एक और जो है क्वेश्चन आता है कि क्या आईक्यू स्टेबल रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका कोई सिंपल आंसर देना पॉसिबल नहीं है, इसके क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा आंसर। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो आईक्यू स्कोर है वो एक बार जो बचपन में आ गया वो जिंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं है। एक जो अगर 3 साल के बच्चे का आईक्यू टेस्ट होगा और एक मान लो 12 साल के बच्चे का आईक्यू टेस्ट होगा, तो सेम तरीके से थोड़ी होगा। 3 साल के बच्चे का डिफरेंट जो है चीज़ों पे होगा, उसमें एकेडमिक चीज़ कुछ होगी नहीं, सब परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, वर्बल नाम मात्र के लिए होगा। लेकिन वेन वी कम टू 10-12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, तो उसमें जो है वर्बल का काफ़ी रोल होगा, एकेडमिक भी होगा, वो भी टेस्ट करेंगे। तो ये तो वेरिएशन अपने आप ही होगा 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड और 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के आईक्यू में, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि हम कितने टाइम के बाद में जो है आईक्यू स्कोर को मेजर कर रहे हैं,
वो भी डिसाइड करेगा कि वेरिएशन होगा या नहीं होगा, या होगा तो कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का 3 साल में IQ मेजर किया और फिर उसका मेजर किया 5 साल में, तो 2 साल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नेग्लिजिबल सा आएगा। लेकिन वही हम 3 साल के बाद में सीधा 20 साल में करें तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा IQ में, क्योंकि पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे, बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो चुका होगा। फिर इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, वो उस दौरान कितना रहा है, जितना भी टाइम गैप है उस दौरान स्ट्रेस कितना रहा है, न्यूट्रिशन कैसा रहा है, ये सारे फैक्टर मैटर करेंगे। इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि IQ जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट कैन वेरी बिकॉज ऑफ द रीजन वी हैव डिस्कस्ड। अब आता है कि आर द IQ स्कोर्स बायस्ड। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के घर हैं उनके बच्चे दे परफॉर्म बेटर ऑन स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट कंपेयर टू लो सोशियो इकोनॉमिक लेवल होंगे, ऐसा देखा गया है। बट ये भी तो है एक बात कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनको एजुकेशन की वो फैसिलिटी ही नहीं मिली है, उस लेवल के हायर एजुकेशन ही नहीं मिली है, उतने अच्छे टीचर ही नहीं मिले हैं, उतना अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला है कि वो चीज़ों को सीख पाते जो IQ टेस्ट में पूछी जाती हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस अच्छा थोड़ी होगा, टेस्टों में कम ही होगा। इसीलिए जो है कैलिफोर्निया ने एक लेजिस्लेशन यानी कानून पास कर दिया कि कोई भी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगा जिसके बेसिस पे स्कूल में प्लेसमेंट हो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन का, क्योंकि वो टेस्ट बनाया ही ऐसा जा रहा है कि इसमें जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है वो परफॉर्म बेटर नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बायसनेस हो गई ना, स्कोर की बायसनेस हो गई। तो इसी तरह से जो स्कोर का जो टेस्ट है IQ टेस्ट है वो बायस माना जाएगा कि अगर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप जो है उसकी वैलिडिटी डिफरेंट हो रही है, मतलब हमने हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में किया तो डिफरेंट स्कोर्स आ रहे हैं एवरेज स्कोर्स, और हमने लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में किया तो डिफरेंट स्कोर्स आ रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है फॉर डिफरेंट ग्रुप, ये खाली एक ग्रुप के लिए वैलिड हो सकता है, हर ग्रुप के लिए नहीं है। और जो अभी हमने स्टार्टिंग की बात की थी वेस्टलर सीरीज ऑफ स्केल्स और स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल, दे आर नॉट बायस्ड ऐसा माना जाता है। हालांकि वेस्टलर स्केल मैंने बताया ना कि वो अमेरिकन और जो कैनेडियंस उन्हीं पे ही खाली स्टैंडर्डाइज किया गया, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड कि इट इज नॉट बायस्ड। और ये भी पॉसिबल है कि इवन इफ द स्केल्स आर अनबायस्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर कोई अनक्वालिफाइड इंसान उसको यूज करेगा विद गुड इंटेंशंस ऑल्सो ही और शी मे मिस यूज द टेस्ट। जैसे मैंने बताया ना कि कोई रिसर्च कर रही रेशियल बेसिस पे IQ की, तो अब वो इंटेंशन उसका कोई खराब नहीं था और उसने जो है बस टेस्ट करके अब इतना रिजल्ट पब्लिश कर दिया, अब उस रिजल्ट की वजह से लोगों के मन में क्या क्या आ जाएंगी चीज़ें वो उसने सोचा ही नहीं, तो ये चीज़ें भी नहीं है। और गलत भी अगर कर दिया है किसी ने, अनक्वालिफाइड आदमी ने टेस्ट गलत कर दिया है, तो भी जो है लोगों को बहुत फर्क पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान करना होगा कि अनक्वालिफाइड आदमी इस टेस्ट को ना कंडक्ट करे और इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, गलती से भी गलती ना हो, ये ध्यान रखना है। फिर देन कम्स कि क्या IQ टेस्ट को यूज करना चाहिए, तो वही है कि आप जो है IQ कोई सिंगल चीज तो है नहीं, तो आप एक और बेटर जो है टेस्ट जब तक नहीं आते हैं तब तो आप उसको ये मेजर करना ही पड़ेगा जो अभी है, और इनकी यूटिलिटी तो है ही है, ऐसी बात नहीं कि कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे हमने जो है डिफ्रेंशिएट करना है IQ स्कोर्स के बदले बेसिस पे सब्जेक्ट्स की चॉइस में, कि अगर लो बहुत IQ है तो उसको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट दिला के बच्चे पे प्रेशर नेसेसरी नहीं डलवाना चाहिए, या कोई जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें कोई पर्टिकुलर IQ की रिक्वायरमेंट है, उससे कम का आदमी वहाँ पे कोप नहीं कर पाएगा, तो भी हमारे लिए जरूरी है। तो हमको ये देखना होगा कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे IQ टेस्ट को यूज़ करें विद प्रॉपर वैलिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और उसमें गलती से उसका मिसयूज ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड कंक्लूजन्स। तो 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट 3 क्वार्टर से, मतलब 1905 से लेके अबाउट 1980 तक, 75 ईयर्स, यही जो है साइमन बिने वाला टेस्ट जो 1905 में हुआ था,
और फिर वेस्टलर सीरीज वाले इसके टेस्ट से यही यूज हुए हैं। बट अब जो है काफ़ी चॉइसेस हो चुकी हैं क्लिनिशियंस के पास में, जैसे कि हॉर्न कार्टेल GFGC वाला हो गया, फिर एक्सपैंडेड हॉर्न GFGC, GFGC जनरल फैक्टर एंड कॉमन वाला, और लूरिया पास जो भी हमने बात करी थी, तो ये सब जो है टेस्ट आ चुके हैं। तो अब फिर स्टर्नबर्ग ने भी बनाया, तो ये सब जो है चॉइसेस हमारे पास में वाइड हो गई हैं। तो अभी भी लेकिन जो है पुरानी थ्योरी, टेस्ट भले ही नए हों लेकिन अगर थ्योरीज पुरानी हैं तो टेस्ट पुराना ही माना जाएगा। तो अब जो है फ्यूचर के जो टेस्ट जो है वो उन एस्पेक्ट्स को अभी कवर नहीं कर रहे हैं जो नए नए एस्पेक्ट्स जो है, जैसे न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर नहीं कर रहे हैं। तो होता ये है कि ये कमर्शियल बात है कि टेस्ट जो है कौन रिसर्च करके बनाएगा, और जो नई चीज़ जो है कोई लाने में इसलिए डरता है कि पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी, अगर वो बिकेगी नहीं चीज़ तो कोई बनाएगा क्यों। सो दिस इज देयर। सो इतना रैपिड प्रोग्रेशन IQ टेस्ट में नहीं हुआ है, बहुत कंजर्वेटिव है ये पब्लिशर, मेन रीज़न ये है कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन, यू नेवर नो न्यू आइडियाज़ विल बी लाइक्ड और नॉट लाइक्ड, और पीपल विल यूज़ और नॉट यूज़। इफ समथिंग इज गोइंग ऑन लेट अस कंटिन्यू दैट, जो बिक रहा है उसको बेचना क्यों बंद करें, नई चीज़ लाएँ, वाई टू अननेसेसरी टेक द रिस्क। सो लेकिन इवेंचुअली जो है हाईटेक इंस्ट्रूमेंट जो आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और हमारे पास कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है कंप्यूटर्स में, तो आने तो है ही हैं। तो ये डिमांड भी है कि साइकोमेट्रिक क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो, ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी है एज ऑफ नाउ, कि भाई ये पुराने बहुत हो चुके हैं टेस्ट, इनको और जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट कंप्यूटिंग स्किल्स एंड साइकोमेट्रिक क्वालिटीज़। सो विद दिस आई एंड द सेशन एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।